नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्ट में। दोस्तों, इस सेशन में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण उनके हम मान निकालना जानेंगे। जो पूरक कोण होते हैं उनके मान निकालना जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, कोई दो कोण होंगे, मान लो कि कोण ए और कोण बी, यदि ये दो कोण हैं और इनके कोणों का जो योग होता है वो आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, कोण को हम कोटिपूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण भी कहते हैं। और एक होता है आपका समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण। तो जो समपूरक कोण का मान होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो तुमको इससे मतलब नहीं है, मतलब आपका है कोटिपूरक से या फिर पूरक कोण से। तो पूरक कोणों को हम निकालने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं उनको देखेंगे दोस्तों। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है? तो जानते हम लोग हैं, हमारा जैसे फार्मूला होंगे 6-7 फार्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा होगा। और आपका कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। पहला क्वेश्चन आपका है ये, या अकेले फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और दूसरा आपका निकला कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। तीसरे की ओर चलते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका को थीटा होता। दोस्तों, इनका जो है प्रूफ भी है, लेकिन आपकी क्लास में जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रूफ नहीं आएगा। किसी अगले दिन दोस्तों मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है? अभी तो आप ये केवल फार्मूले याद रखिएगा। तो इसका फोर क्या बन जाएगा आपका? कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, ठीक। अब आपका पाँचवा जो हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा। और छठा आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका कोसेक थीटा। ये आपके छह मान निकल के आए। एक बार इनको फिर से देख लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है? और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये आपके छह फार्मूले हैं। इन जो छह फार्मूले हैं इनको आप लोगों को याद रखना है। ये जो कि आपके इसमें आगे जो अभ्यास आपकी 8.3 है उसमें आएंगे, ठीक है? तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है आपका कि 8.3 आपकी एक्सरसाइज है, और पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन जो आपका कॉस 72 दिया हुआ है, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना है, ये आपका 18 दिया हुआ है और ये 72 दिया हुआ है, 18 और 72। यदि यहाँ पे आपका साइन और कोस दिया, जैसे अभी निकाला मैंने, साइन कोस होगा एक में और दूसरा टेन कोट होगा। यदि इस प्रकार से आपका कुछ दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि इन दोनों का योग, इन दोनों का जो योग आपका है वो 90 के बराबर होता है, तो देखिएगा 8 2 10 7 और 1 8, ये कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो निकल के आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? यदि ये साइन कोस, टेन कोट और कोसेक और सेक ये आपका दिया हुआ है, तो ये उनका जो ऊपर और नीचे का जो कोण होगा उसका योग 90 डिग्री आता है, तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपका ट्रिक द्वारा कह लेंगे या किसी प्रकार से हम कह लेंगे, लेकिन इसको हमको सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये तो आपकी ट्रिक थी कि इसका मान 1 आएगा, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे देखिए, साइन, साइन अभी 18 आपका दिया हुआ है 18, तो 90 माइनस, 90 माइनस हम कितना कर दें कि ये 18 ही रहे, 90 से हम कितना कम कर दें कि ये हमारा 18 का 18 ही रहे। तो अगर हम 90 से 18 कम कर देंगे पहले, तो ये आपका 2 और ये 7, ठीक 72 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 से अगर हम 72 कम भी कर देंगे तब भी उसका मान कितना आएगा? 18। ये मान कितना लिखा हुआ है? 18 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है? तो अपान में हम एक को चेंज करेंगे और एक को डिट्टू पढ़ा रहेंगे। जैसे एक को हमने चेंज कर लिया और एक को हम सेम छोड़ देंगे, या फिर नीचे वाले को या फिर हम ऊपर वाले को। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था? कोस थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है? 72 है। तो ये क्या आपका हो जाएगा?
कोस 72, ऊपर वाले का मान कितना हो गया कोस 72, ये डिग्री में दोस्तों है, ठीक है, कोस 72, और नीचे वाला हमारा सेम टू सेम पड़ा रहेगा, तो ये कोस 72 और कोस 72 कैंसिल होकर कितना आया, एक आया। एक क्वेश्चन और ये वाला दोस्तों देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अब इसको हम इस बार जो है नीचे वाला चेंज करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, या फिर हम ऊपर किसी एक को भी हम चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो हम नीचे वाले को इस बार चेंज करेंगे। टेन 26 अपॉन क्या दिया हुआ है, कोट 90 लिख लेंगे हम, कितना लिख लेंगे 90 लिख लेंगे। अब 90 में से कितना हम कम करें कि 64 आ जाए, तो सेम इस प्रकार से हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, 90 से हम 26 अगर कम करते हैं तो ये 4 और यहाँ पे आपका 8, 2, 6, तो 64। अब देख लीजिएगा, ऊपर नीचे आपका 64 लाना दोस्तों, तो यहाँ 64 कम करेंगे, 64 तो यहाँ पे 6 और ये 2, 26 आएगा, ठीक, देख लीजिएगा कैसे। अब देखिएगा, तो कॉट और ये 90 माइनस 26 लिखा है, 90 माइनस 26 लिखा है ना, तो 90 माइनस 26 का मतलब इसका जो मान होगा वो कितना, 64 ही रहेगा, 64 ही तो रहेगा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो टेन 26 डिग्री अपॉन टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, तो ये टेन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना दिया हुआ है 26 डिग्री, तो ये 26 से 26 कैंसिल, बचा कितना आपका, एक बचा, ठीक, तो ये भी आपका सोल्व होकर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा साथ में आप लोग तीसरा भी देख लीजिएगा, दिया हुआ है कॉस 48 माइनस साइन 42, ये दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से इसमें भी हम जो है एक को कैंसिल करेंगे, या फिर कहें कि एक को केवल हम चेंज करेंगे और एक को जस का तस पड़ा रहने देंगे, तो हम पहले वाले चेंज कर लेंगे, तो ये आपका कॉस 90 माइनस कितना कम कर दें इसमें, 90 से कितना कम करें कि ये 48 ही हमारा आ जाए, तो अगर हम 90 से 48 कम कर लेंगे तो हमारा 42 आएगा, कितना आएगा 42, ये ठीक। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस जो 90 माइनस थीटा आपका होता है वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे आपका दिया है 42 और ये साइन 42, ये दोनों आपकी सेम संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कम होकर, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि एक आध क्वेश्चन इसमें बचा है तो उसको आप लोग जो है अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, नया क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ a बराबर जो है वो न्यून कोण है, जो a है वो आपका कैसा है, न्यून कोण है, ठीक है, मतलब 90 से कम है, तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फटाफट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका समीकरण दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे, cot a माइनस 18 ये दिया हुआ है, ठीक। यदि हम इसको कोट में लिखना चाहें, यदि इसको हम कोट में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a, अगर हम यहाँ पे खोलते हैं कोट 90 माइनस 2 थीटा इक्वल, तो ये आपका क्या आएगा, टेन 2a आएगा ना, अभी आपको फार्मूला मैंने पीछे बताया, और ये आपका क्या रहेगा, कोट a माइनस 18, ये हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, जब ये दोनों साइड सेम होता है तो ये हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। क्या करते हैं हम जो है a को उधर ले आते हैं और 18 को इधर आते हैं, तो 90 प्लस, जब ये 18 इधर आएगा बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर a प्लस 3a, ठीक। अब 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108, 108, और ये आपका ये 2a था, यहाँ पे 3a हो गया, अब ठीक। तो अब यहाँ से यदि a बराबर हम निकालेंगे तो 108 और भाग में 3 चला जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 छके 18, तो जो a का मान हमारा निकल के आया वो 36 डिग्री निकल के आया, कितना निकल के आया, a का मान हमारा 36 डिग्री निकल के आया। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे कि tan 2a ये हमारा दिया हुआ था, ये हमारा दिया हुआ था, इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा tan 2a बराबर होता है वो हमारा इधर मैंने बताया cot 90 माइनस थीटा कर लिया, cot 90 माइनस थीटा कर लिया, तो cot 90 माइनस थीटा का मान जो होता है वो tan थीटा के बराबर ही होता है, तो हमने ऐसा कर लिया, ठीक। तो ये जो हमारा दोनों साइड सेम है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक। तो हमारा बचा क्या, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इसको सोल्व कर लिया तो a बराबर हमारा निकल के 36 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि यदि tan
ए बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, टेन ए बराबर कोट बी दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस बी, आपका ए प्लस बी का जो मान दिया हुआ है ये आपका कितना है 90 डिग्री है। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और डेली न्यूज पढ़ने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये इस पर आते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया आपका क्या है, टेन ए इक्वल टू कोट बी ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हमें कि यदि इस क्वेश्चन को हम टेन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस बी लिख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो है अभी पढ़े हो आगे कि टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख लो साइड में ये वाली पॉइंट यहाँ पे लिख देना है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू टेन, यहाँ से टेन हट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस थीटा, तो ये जब बी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही दोस्तों क्या सिद्ध कर रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, डी से सब डिग्री में चलता है दोस्तों, जहाँ 4a जो है आपका, ये जो 4a है ये एक न्यून कोण है, कैसा है न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात करा रहा है, तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेंगे, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ये आपका a माइनस 20 हो गया। ठीक, हाँ, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये पहले से, इसको भी चेंज कर सकते हो लेकिन इसमें थोड़ा कठिन जाएगा, तो ओहो सॉरी, हाँ, तो ये आपका सेक दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कोसेक कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस, हम इसको 4a कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है अभी पढ़ रखा है कि आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा हम पढ़ रखे हैं सेक थीटा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, कोसेक ए माइनस 20, अब ये कोसेक कोसेक बराबर है तो ये आपका अगली लाइन से हट जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे बचेगा ए माइनस 20, ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिएगा, ये हम ए को इधर ला, ओ 20 को इधर ला रहे हैं, तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, और ये ए और प्लस 4a हो जाएगा, ये आपका 110 110 डिग्री हो गया आपका, और ये आपका 5a हो जाएगा। अब अगर हम 5a को हम a बराबर निकालेंगे तो 110 अपॉन 5 चला आएगा, तो 5 दुनी 10, एक बचा 5 दुनी 10, तो a बराबर जो मान निकल के आया वो 22 डिग्री निकल के आया, 22 डिग्री निकल के आया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आज के, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, ये दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, और पिछली वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उनको देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।